नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास प्रोग्राम भारत एट नाइन। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। कुछ फैसले इतिहास ही नहीं बदलते बल्कि नया इतिहास रचते, व्यवस्थाओं को नए सिरे से गढ़ने का भी काम करते। एक फैसले के बाद देश में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। भारत में पहली मर्तबा किसी महिला अपराधी को फांसी दिए जाने के साथ आधी आबादी के प्रति सामाजिक और संवैधानिक सोच में यहीं से बदलाव आना शुरू हो जाए। कालांतर के पुराने रिवायतों और परंपराओं का इतिहास बदलेगा और उसमें एक नया पात्र जुड़ेगा जिसमें आजादी के 72 वर्ष बाद किसी महिला को उसके आपराधिक कृत्यों के लिए फांसी की सजा दी जाए। देश भर की निचली व उच्च अदालतों में करीब 42,000 ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें महिलाओं द्वारा किए जघन्य अपराध शामिल हैं। उनमें 21 मई 1991 का दिल दहला देने वाला मामला भी शामिल, जब तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में नलिनी श्रीहरण नाम की महिला ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। अदालत में कई बार उन्हें फांसी देने की मांग की लेकिन उदारता का उन्हें लाभ। अब अमरोहा की शबनम को फांसी मिल जाने के बाद एक नई किस्म की बहस भारत में शुरू हो जाए। महिला अपराधों के उन सभी केसों में जिरह के दौरान कोर्ट रूमों में शबनम की फांसी का उदाहरण गूंजेगा। शबनम की दुहाई देकर वकील महिलाओं को फांसी देने की मांग जजों से किया। कुल मिलाकर शबनम की फांसी एक उदाहरण तो बनेगी ही, साथ ही महिला अपराधियों में डर व महिला अपराध रोकने में काफी हद तक वाहक भी बनेगा। शबनम से कितनी दूर है फांसी का फंदा? हत्याओं की गुनहगार शबनम को फांसी देने का वक्त करीब आ गया है। आजाद भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। जिसने भी यह खबर सुनी हक्का बक्का रह गया और यह सोचने लगा कि आखिर इस महिला ने ऐसा क्या किया होगा। सोचना लाजमी भी है, एक नाजुक सी दिखने वाली महिला आखिर इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकती है, किसने सोचा था। दरअसल जिस महिला को फांसी दी जा रही है वो अमरोहा की रहने वाली है। फिलहाल शबनम मथुरा की जेल में बंद है। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद से ही प्रशासन फांसी की तैयारी में जुट गया है। निर्भया दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के जल्लाद पवन 2 बार मथुरा जेल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। डेथ वारंट आने के बाद शबनम और उसके प्रेमी सलीम दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। फिलहाल फांसी की तारीख तय नहीं है लेकिन शबनम को फांसी पर लटकना है यह तय है। सूफी परिवार में जन्मी शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल से एमए किया था। शबनम घर की इकलौती बेटी थी जिसे सभी परिजन बहुत प्यार करते थे। शबनम ने जो अपने घर वालों के साथ किया उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिजनों की हत्या कर दी जिसमें उसका 10 महीने का एक भतीजा भी शामिल था। इतना ही नहीं, जुर्म छुपाने के लिए शबनम ने कई नाटक भी किए। तो हिंदुस्तान में ऐसा समय था जब बड़े अपराधों में महिलाओं का बोलबाला हुआ करता। बिहड़ों में फूलन देवी का आतंक या सीमा परिहार जैसी दस्यु सुंदरी का खौफ, शायद ही कोई उसको भूला। वैसे उतने खौफनाक अपराध बीते कुछ वर्षों में हुए और कम भी, पर दूसरे किस्म के क्राइमों में बाढ़ आ, जैसे प्रॉपर्टी के नाम पर अवैध धंधेबाजी, शादी ब्याह के नाम पर ठगी, जिस्म फरोशी, स्मैक व नशीले पदार्थ बेचना, मेट्रो सार्वजनिक स्थानों पर पॉकेटमारी करने में महिलाओं की सक्रियता ज्यादा दिखने लगी। महिलाओं से जुड़े छोटे अपराधों को छोड़कर बड़े अपराधों की बात करें तो सोनू पंजाबन, शबाना मेमन, रेशमा मेमन, अंजलि माकन, शोभा अय्यर, शमीरा जुमानी के नामों को भी शायद ही कोई भूल पाए। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनका अपराध फांसी के लायक रहा, लेकिन भारत के उदार सिस्टम से ये बच गए या फिर इन्हें बचा लिया गया। शबाना और रेशमा मुंबई बम कांड के अभियुक्त हैं जो दोनों अयूब मेमन व टाइगर मेमन की पत्नियां हैं। समीरा जुमानी जहां पासपोर्ट रैकेट की अभियुक्त है, वहीं अंजलि माकन का बैंक से करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो जाना और शोभा अय्यर का प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर अरबों रुपए लेकर चंपत हो जाना। आजादी से अब तक खुदा ना खास्ता किसी महिला को फांसी दी गई हो तो निश्चित रूप से राजीव गांधी की कातिल
सरी की कई कातिल महिलाएं अभी तक फांसी के तख्तों पर झूल गई। अमरोहा की शबनम ने साल 2008 के अप्रैल महीने में प्रेमी के सहयोग से अपने समूचे परिवार को मौत दे दी थी। कुल्हाड़ी से काटते वक्त उसे रत्ती भर भी रहम नहीं कि वह अपनों का ही खून बहा रही। अपराध निश्चित रूप से दया करने वाला नहीं है। क्या है शबनम के जुर्म की कहानी? शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर घर के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। भोली और नाजुक सी दिखने वाली शबनम ने बड़ी ही बेरहमी और पत्थर दिल से अपने ही घर के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। हत्या करने से पहले उसने अपने घर वालों को बेहोशी की दवा खिलाई और फिर सबको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के बावनखेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम का सलीम से प्रेम संबंध था। शबनम अच्छे घर से थी और उसके परिवार के पास काफी जमीन थी। वहीं सलीम मजदूरी का काम करता था और 5वीं फेल था। यही कारण था कि शबनम के घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी से वे इतना प्यार करते थे वही उन्हें मौत के घाट उतार देगी। 14 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात शबनम ने इस वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। उसके व्यवहार से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। हत्या के बाद 35 साल की शबनम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वह चीखने लगी, उसने पुलिस को चकमा दिया, उसने वारदात को लूटपाट बताया। घर में खून से लथपथ 7 लाशें पड़ी थी, बची थी तो बस शबनम। उसने कहा कि वह बाथरूम में थी इसलिए बच गई। लेकिन जुर्म कहां छुपता है? पुलिस ने देखा कि हत्या के समय किसी ने भी सेल्फ डिफेंस की कोशिश नहीं की, वहीं लूटपाट की भी कोई निशानी नहीं मिली। साथ ही पोस्टमार्टम में हत्या से पहले बेहोशी की दवा देने का पता चला। पुलिस को शबनम पर शक हुआ। थोड़े दिनों बाद शबनम की प्रेगनेंसी का पता चला, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर पुलिस ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने सारी बातें कबूल की। वहीं पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली थी। जेल में बंद शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया जो कई साल उसके साथ रहा। लेकिन जब शबनम को उसकी फांसी की सजा का पता चला तो उसने अपने बेटे को एक दोस्त को सौंप दिया। अपने प्यार को पाने के लिए शबनम कैसे अपनों की बैरन बनी, जिसका खुलासा उसने घटना के कुछ समय पश्चात खुद किया और अपराध बोध भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उसके अपराध ने एक दुनिया का अंत किया। 12-13 साल केस निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिचकोले मारता, दया याचिका राष्ट्रपति के चौखट तक भी पहुंची, लेकिन कोर्ट द्वारा मुकर्रर फांसी बरकरार रखी। फांसी देने का रास्ता लगभग साफ है, लेकिन सवाल वही है कि क्या शबनम और सलीम के बीच सच में प्यार था? और प्यार था भी तो इतना खौफनाक रूप कैसे ले सकते? शबनम और सलीम में प्यार था भी? प्यार एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान दूसरों से भी प्यार करने लगता है, नफरत को भूलने लगता है। प्यार में कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? प्यार करना गलत नहीं, लेकिन प्यार में जो शबनम और सलीम ने किया वह माफी के लायक नहीं। वह तो प्यार भी नहीं है। प्यार फूल की तरह खुशबू फैलाता है, जहर नहीं। ऐसी घटनाएं मन में सवाल पैदा करती हैं कि आखिर शबनम ने ऐसा कैसे कर दिया? फिलहाल दोनों को फांसी देने के लिए बक्सर से रस्सी मंगाई जा रही है। यह फांसी घर मथुरा के जिला कारागार में लगभग 150 साल पहले बना था, लेकिन देश आजाद होने के बाद किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई थी। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता फांसी घर है जहां शबनम को फांसी दी जाए। ऐसा दौर जब महिलाएं विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विजय पताका फहरा रही हो, तब एक अपराधी महिला को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है, निश्चित रूप से हृदय में पीड़ा। लेकिन अपराध माफी के काबिल भी तो नहीं।
ऐसे केसों में उदारता दिखाने का मतलब है दूसरे केसों को बढ़ावा देना, अपराधियों को निडर बनाना। सजा की व्यवस्था सभी श्रेणियों में समानांतर रूप से वकालत करती हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला। धन्यवाद।